दोस्तों यदि आप भी घर बैठे अपने मोबाइल फोन से मूवी टिकट बुक करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आप जानेंगे और सीखेंगे कि कैसे आप बहुत ही आसानी से 2 मिनट में अपनी मूवी टिकट को बुक कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नवीन है, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हम सफर टैक। तो चलिए चलते हैं फोन की स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर में, या फिर आपको मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बुक माई शो एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे आप बुक माई शो एप्लीकेशन को अपने फोन पर डाउनलोड करेंगे, आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, आप इसको अलाउ कर लेंगे और उसके बाद आप यहां पर जो है इसको सबसे पहले आप जो है लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन आप यहां पर फेसबुक से और अपने जीमेल अकाउंट से भी कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्टली आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करो। और जैसे आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करते ही आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड, उसको आप यहां पर फिलअप करेंगे। चलिए हमारे पास ओटीपी आ चुका है, हमने यहां पर फिलअप कर लिया है, अब हम इसको लॉगिन हमारा हो चुका है। अब यहां पर पूछ रहा है कि आपको यहां पर अपना लोकेशन को ऑन करना है, तो अभी हम जो है इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर लेते हैं। अब यहां पर सबसे पहले आपको जिस भी सिटी में अभी आप हो, जहां पर भी आपको टिकट बुक करनी है, आपको सबसे पहले उसको सर्च करना है सिटी को। तो ऊपर आप देखो यहां पर लिखा हुआ है सर्च फॉर योर सिटी, तो आप यहां पर ऊपर पर क्लिक करेंगे और जैसे मेरे सिटी का नाम है ऋषिकेश, और जहां पर भी आपको टिकट बुक करनी है आपको उस सिटी का नाम टाइप करना है। और दोस्तों अगर आप हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके यहां पर बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी आप हमारी वीडियो देखें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। मैंने यहां पर ऋषिकेश सेलेक्ट कर लिया है और सेलेक्ट करते ही मैं थोड़ा सा वेट करूंगा और मेरा लोकेशन पे जितने भी पिक्चर हॉल्स हैं, मूवी सिनेमा है, मेरे को यहां पर दिख जाएंगे। अभी गाइस देखो कि मेरे आसपास जो मूवी लगी हुई है, यहां पर जो भी मूवी है आपको नीचे दिख जाएंगी। तो अभी मुझे टिकट बुक करनी है पुष्पा, यहां पर एक मूवी है, साउथ इंडियन है और हिंदी में ये मूवी है। तो यहां पर जो भी मूवी आपको जो है टिकट बुक करनी है, जिस भी मूवी की, आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा। चाहे तो आप ऊपर देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है मूवी का ऑप्शंस, तो आप मूवी पर क्लिक करेंगे और यहां पर भी आपको सारे के सारे मूवी दिख जाएंगी। और जिस भी मूवी के ऊपर आपको क्लिक करना है उसी की आप टिकट बुक कर पाएंगे। जैसे मैं पुष्पा करना चाहता हूं तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही अभी आप देखो कि यहां पर जो है इसकी रेटिंग्स क्या है, रिव्यूज क्या है, 84% इसके प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छी मूवी है यहां पर दिखाया गया है, तो आप इसके रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको बुक टिकट नीचे दिख रहा होगा, सिंपल आपको बुक टिकट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहां पर आप देखो कि आप ओके कर लेंगे। और यहां पर गाइस अभी यहां पर डेट आपको सेलेक्ट करनी होगी, कौन सी डेट में आपको टिकट बुक करनी है। जैसे यहां पर 19 तारीख संडे है, 20 तारीख है, 21 तारीख है, तो आप अपने हिसाब से सबसे पहले डेट को सेलेक्ट कर लेंगे, दिनांक को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जितनी भी टाइमिंग होगी यहां पर आपको नीचे दिख जाएगा। यहां पर फिलहाल एक ही शो है इस मूवी का, 3:45 दोपहर का। और अगर आपके आसपास के जो भी पिक्चर हॉल्स हैं वहां पर अगर अलग अलग शो होंगे तो यहां पर आपको अलग अलग टाइमिंग दिख जाएगी। तो आपको जिस भी टाइमिंग में यहां पर बुक करना है तो आपको सबसे पहले उसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं 3:45 का कर लेता हूं, मैंने क्लिक किया। अब गाइस यहां पर पूछ रहा है कि कौन से टिकट आपको बुक करनी है। और यार गाइस आप एक चीज भूल जाते हो, वीडियो को लाइक करना, तो यार फटाफट से एक लाइक जरूर कर दो। यानी कि आपको यहां पर जो है फर्स्ट क्लास, सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम यहां पर आपको टिकट बुक करनी है। तो अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आप टिकट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आप एक टिकट बुक कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, जितने भी टिकट बुक कर रहे हैं आप ऊपर से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहां पर मुझे 4 टिकट बुक करनी है 4 लोगों की, तो मैंने यहां पर 4 सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप यहां पर जो है सेलेक्ट सीट पर क्लिक करेंगे, नीचे आप देखिएगा। और जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर जो भी पिक्चर हॉल का यहां पर आपको सिनेमा दिखेगा किस तरीके से सीट लगी हुई है, तो अभी आप देखो कि सबसे ऊपर वाली जो सीट है 180 की है, जिसका नाम है प्लेटिनम और उसका जो प्राइस है 180 रुपए है। हो सकता है गाइस कि आपके लोकेशन के हिसाब से प्राइस कम ज्यादा हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो अभी यहां पर देखो कि मुझे यहां पर जो है अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से मुझे टिकट बुक करनी है। तो चलिए हम यहां पर 4 टिकट को सेलेक्ट कर लेते हैं, कुल मिलाकर 440 की टिकट हो चुकी है। अब हम नीचे से पे करेंगे, पे करते ही आपके सामने एक और पेज खुलकर आएगा। अब यहां पर पूछ रहा है कि क्या आपको यहां पर पॉपकॉर्न हो गया, बर्गर हो गया या फिर कुछ अलग सा लेना चाहते हैं पिक्चर हॉल में। तो भैया हमें नहीं लेना है, बहुत महंगा होता है, तो हम ऊपर से यहां से स्किप कर लेते हैं। स्किप करते ही गाइस आप देखो कि यहां पर आपका
आपका एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। चार टिकट हमने बुक करी थी, 440 उसका प्राइस है चारों टिकट का, 80 रुपये 24 पैसा यहाँ पर इसने अपने सर्विस चार्ज लिए हैं बुक माई शो ने। इसके अलावा यहाँ पर 4 रुपये इन्होंने अलग से बुक है स्माइल पर यहाँ पर 4 रुपये हमारा जानबूझ कर ऐड कर दिया है, तो इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। 4 रुपये के नीचे आप देख पा रहे हैं रिमूव का ऑप्शन है, तो अभी आप देखो टोटल मिलाकर जो हमारी टिकट है 520 रुपये 24 पैसा। तो अभी इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पर कैशबैक भी ले सकते हैं, डिस्काउंट भी ले सकते हैं। नीचे आप देखो अनलॉक ऑफर्स और अप्लाई प्रोमो कोड, आप जैसे नीचे पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो भी ऑफर चल रहे होंगे उसके हिसाब से आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं। जैसे गाइज यहाँ पर अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको क्लिक करना उसके ऊपर, उसके अलावा क्रेडिट कार्ड पे जिस भी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे ऑफर चल रहे होंगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके अलावा जो डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड है उस पर भी ऑफर आप चेक कर सकते हैं। डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे ऑफर दिख जाएंगे। और इसके अलावा गाइज अगर आप वॉलेट पर यहाँ पर पेमेंट करते हैं, जैसे आप वॉलेट पर जाएंगे और यहाँ पर अभी आप देखो कि अमेजोन पे कैशबैक ऑफर चल रहा है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो जो भी इनकी टर्म एंड कंडीशन एक बार चेक कर लेंगे आप जो भी कैशबैक मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे, तो चलिए हम नीचे से यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर अमेजोन पे के UPI से अपना जो है पेमेंट कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पे पर क्लिक कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों हमारा यहाँ पर टिकट बुक हो चुका है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि क्या आपको टिकट का स्टेटस अपने व्हाट्सएप पर चाहिए, अगर चाहिए तो आप यस कर लेंगे। और यहाँ पर आपको आपका सीट नंबर भी मिल जाएगा कि कौन कौन सी सीट आपको अलॉटमेंट हुई है, और इस तरीके से आपको बस इस QR कोड को दिखाना होगा और टिकट आपको आपकी जीमेल आईडी पर भी आ चुकी होगी। जैसे आप जीमेल आईडी को यहाँ पर ओपन करेंगे अभी आप देखो कि आपकी जीमेल आईडी पर भी आपका टिकट आ चुका है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से किसी भी पिक्चर हॉल में सिनेमा में अपना मूवी टिकट का बुकिंग कर सकते हैं।